द क्वेश्चन इज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट एक्स इज टू पावर 2n माइनस वाई इज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. सो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी डिफाइंड बाय पी एन. लेट द गिवन स्टेटमेंट बी डिफाइंड बाय पी एन. दैट इज पी एन लिख सकते हैं हम एक्स टू पावर 2n माइनस वाई रेस टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई राइट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. तो n को हम 1 पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1. सो पी वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा एंड वाई रेज टू पावर 2. दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंटिटी लगी यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अभी एक्स प्लस वाई से तो डिविजिबल हो गया बिकॉज इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वाई है विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई. सो हमारे पास पी वन जो है वो ट्रू है. नेक्स्ट हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, देखो हमें प्रूव तो करना है एन के लिए, तो हम यहाँ पर पहले सपोज कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो के लिए भी ट्रू होगा. एन इज इक्वल टू के लिए एज्यूम दैट पी के इज ट्रू. हमने सपोज कर लिया कि पी के ट्रू है. सो पी के एक्स एस टू पावर 2k माइनस वाई रेस टू पावर 2k इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई. अगर ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है सो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स प्लस वाई. यानी कि जब इसे एक्स प्लस वाई से डिवाइड किया गया होगा तो q उसका क्वोशेंट आया होगा, वेयर q भी एक नेचुरल नंबर है राइट. सो ये हमारे पास आ गया. इसे इक्वेशन वन मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करने वाले हैं. नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू राइट. सो पी के प्लस वन क्या होगा हमारे पास, एक्स इज टू पावर टू इंटू के प्लस वन वाई रेस टू पावर टू इंटू के प्लस वन मीन्स एक्स इज टू पावर टू के प्लस टू एंड वाई रेस टू पावर टू के प्लस टू. तो अब यहाँ पर हमें अपना जो रिजल्ट है वो प्रूव करने के लिए इसमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होगी. वो क्या करना है हमें, एक्स रेज टू पावर 2k एंड y रेस टू पावर 2. पावर्स आपको जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2k प्लस 2 जैसे चल रहा है तो इसमें से x की पावर आप 2k ले लो, y की पावर k ले लो, या फिर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, x की पावर 2 और y की पावर 2k भी हम इसमें ले सकते हैं राइट. प्लस x रेस टू पावर 2k y रेस टू पावर 2 माइनस y रेस टू पावर 2k प्लस 2. अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है. तो कॉमन भी आप किस टाइप से लोगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से और सेकंड टू टर्म्स में से हम इस पे कॉमन लेने वाले हैं. तो देखो फर्स्ट टर्म से तो हमारे पास एक्स एस टू पावर टू के कॉमन आ जाएगा, एक्स एस टू पावर टू के इसमें से कॉमन आ जाएगा. तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. पहले मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दोबारा से लिख देती हूँ, एक्स एस टू पावर टू के प्लस टू माइनस एक्स एस टू पावर टू के वाई स्क्वायर प्लस एक्स एस टू पावर टू के वाई स्क्वायर माइनस वाई एस टू पावर टू के प्लस टू. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स टू पावर टू के हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स की पावर टू बचेगी और वाई की पावर भी टू बचेगी. प्लस अब इन दोनों में से हम वाई की पावर कॉमन ले सकते हैं तो वाई की कितनी पावर कॉमन आएगी, टू पावर कॉमन आ जाएगी. तो यहाँ एक्स टू पावर टू के बचेगा और वाई टू के प्लस टू में से टू गया तो वाई रेस टू पावर टू के बचेगा राइट. अब इसकी जो वैल्यू है हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के रखी हुई थी तो वो वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट. और यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ हमने वैल्यू ले रखी थी क्यू इंटू एक्स प्लस वाई, क्यू इंटू एक्स प्लस वाई यूजिंग
वन। सो अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x प्लस वाई एंड x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। सो टेकिंग x प्लस वाई एज कॉमन वी हैव x इज टू पावर 2k इंटू एक्स माइनस ऑफ y प्लस क्यू इंटू वाई स्क्वायर। तो पूरी टर्म्स में से x प्लस वाई हमारा कॉमन आ गया, मीन्स इसका एक फैक्टर x प्लस वाई हो गया, देयर फोर इट इज़ डिविजिबल बाई x प्लस वाई विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। थैंक यू।